वेलकम बैक व्यूवर्स, ड्रीम व्यूअर के ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। दोस्तों, ड्रीम व्यूअर की ये हमारी 20वीं वीडियो है, यानी कि 20th ट्यूटोरियल है ये। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको किस तरह सोचना चाहिए उस वेबसाइट को बनाने के लिए, और उसको सही तरीके से बनाने के लिए, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक प्रोफेशनल चीज़ बनाने के लिए, ताकि आपको आगे जो है मुश्किल ना आए और सब लोग आपका काम जो है वो पसंद करें। यानी कि ड्रीम व्यूअर में अगर आप काम करते हैं वेब डिज़ाइनिंग का, तो सबको पसंद आए। इस कोर्स के दौरान हम, ये तो 20वीं वीडियो है, लेकिन हम इस कोर्स को 40 वीडियो से ऊपर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारी चीज़ों को अभी और भी हमने डिस्कस करना है, लेकिन इस वीडियो में कुछ बुनियादी चीज़ें आपको बतानी हैं। और उसके अलावा एक चीज़ आपको ये भी बतानी है कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए ड्रीमव्यूअर के अंदर, ख़ास तौर पर वेबसाइट बनाने के लिए आपको बाकायदा सोचना पड़ता है, आपको बाकायदा एक तरतीब से जो है एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है एक वेबसाइट का। उसके बगैर जो है आप ड्रीमव्यूअर में इसे डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, वेबसाइट नहीं बना सकते कि आप डायरेक्टली जाए और ड्रीमव्यूअर में स्टार्ट कर ले और उसमें वेबसाइट बनाए। बाकायदा तौर पर आपको नापना होता है चीज़ों को कि हम, मेरे पास जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ उसका हेडर कितने साइज़ का होगा, उसके मेन जो कंटेनर होगा वो कितने साइज़ का होगा, उसके अंदर जो है कंटेंट एरिया कैसे होगा, उसके अंदर जो है वो अगर कुछ पोर्टफोलियो वगैरह है तो वो कैसे होगा, या फुटर कैसे होगा, लिंक्स नेविगेशन बार कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पिक्चर्स बना के फोटोशॉप के अंदर, इस फोटोशॉप के अंदर जो है इसको बना के पिक्चर्स वगैरह, इसके लिए जितनी भी पिक्चर्स ज़रूरी होती है वो फोटोशॉप में क्रिएट करके फिर जो है आप ड्रीम व्यूअर के अंदर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहरहाल ये तो हमारा आने वाली वो है, इंशाल्लाह हम आगे इसी कोर्स के दौरान ये भी कुछ सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें, वेबसाइट का लेआउट किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसके लिए पिक्चर जो है वो किस तरह तैयार करते हैं। और इसके अलावा जो है इस ड्रीम व्यूअर के कोर्स के बाद जो है मैं एक और कोर्स क्रिएट करूँगा जिसमें आपको वेबसाइट का लेआउट बनाना सिखाऊंगा फोटोशॉप के अंदर, कि फोटोशॉप के अंदर एक वेबसाइट का लेआउट किस तरह बनता है और फिर उसको किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं HTML और CSS में, सेम टू सेम ड्रीम व्यूअर में हम किस तरह, मतलब है कि वो HTML और CSS में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको ऑनलाइन अपलोड करते हैं इंटरनेट पर। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का बुनियादी मकसद है आपको बताना कि एक वेबसाइट को जहन में लाने के बाद जो है आप किस तरह उसमें काम करेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपके पास कोई जगह होनी चाहिए, विदर आप इंटरनेट पे उस वेबसाइट को अपलोड करेंगे तो वेबसाइट इंटरनेट पर आपके पास एक वेब होस्टिंग होनी चाहिए, कि वेब होस्टिंग का अकाउंट हो, ऑनलाइन वेब सर्वर हो जिसमें आप अपनी वेबसाइट को सेव कर सके, अपलोड कर सके और वहाँ से वो तमाम लोगों को नज़र आए। लेकिन अगर आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं लोकल कंप्यूटर पे ऑफलाइन, फिर लाजमी बात है जब क्रिएट हो जाएगी उसके बाद आप इजीली अपलोड कर सकते हैं उसको, लेकिन ऑफलाइन जब आप इसको बनाएंगे तो उसके लिए भी आपके पास कोई ख़ास जगह होनी चाहिए जहां पर उस वेबसाइट की तमाम फाइल्स, यानी कि जो होम पेज है, उसके बाद जो दूसरे सब पेजेस हैं वो पेजेस, और उसके अलावा जितने भी इसमें स्टाइल्स और इमेजेस वगैरह यूज़ होते हैं या स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, उन सब के लिए आपके पास एक स्पेस होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, जो कि बेहतर होता है कि आपके पास एक फ़ोल्डर हो उस वेबसाइट के लिए सेपरेटली, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। तो जब भी आप वेबसाइट या प्रोजेक्ट बनाने का सोचेंगे ड्रीमव्यूअर के अंदर, तो सबसे पहले आप उसके लिए फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स क्रिएट करेंगे जो जिसमें आपकी वेबसाइट के कंटेंट सेव होते जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी जो है ड्रीमव्यूअर के अंदर एक दोबारा वही एक सैम्पल हम उठाते हैं, लेकिन उसको हम सेव करेंगे डिफरेंट फोल्डर में, क्योंकि पहले तो हमारे पास ये ड्रीमव्यूअर की ट्रेनिंग की का जो फोल्डर था उसमें हम अपने तमाम फाइल्स को सेव करते रहे हैं, लेकिन अभी हम एक, चूँकि एक प्रोजेक्ट का, मैंने जैसे आपको कहा कि प्रोफेशनली आप काम करेंगे, तो अपना एक फोल्डर होना चाहिए आपके वेबसाइट के लिए अलग से। तो क्रिएट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर अपने डेस्कटॉप पर, इसको मैं नाम देता हूँ माय वेबसाइट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने इसको ये नाम दिया। इसको ओपन किया और इसके अंदर जो है मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है जनाब, इमेजेस के हवाले से, इमेजेस ये इस फोल्डर में सारे इमेजेस आएंगी। एक और फोल्डर मैंने क्रिएट किया, उसमें स्टाइल्स यानी CSS के स्टाइल्स आएंगे। एक और फोल्डर मैंने किया एसेट्स के नाम से, एसेट्स ये इसमें स्क्रिप्ट्स वगैरह आएंगे, या इसमें जो है मतलब कुछ चीज़ें होती है, स्क्रिप्ट्स वगैरह होती है या कुछ प्लगइन्स विडगेट्स वगैरह होते हैं वो आएंगे। स्क्रिप्ट्स के लिए मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो ये चार फोल्डर जो है ये ज़रूरी होते हैं बेसिकली एक वेबसाइट
जो HTML और CSS की वेबसाइट होती है। PHP की वेबसाइट के लिए और भी जो है एडमिन का अलग फोल्डर होगा, और जो है मतलब जितने भी सेक्शंस है PHP की वेबसाइट के अंदर वो तो अलग होंगे, लेकिन ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ CSS और HTML की वेबसाइट के लिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई, ये यहाँ पर फोल्डर हैं। अब हम आते हैं ड्रीमव्यूअर में और अपना जो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे वो हम इस फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, ठीक है जी। तो कंट्रोल एन करके वहीं पर जाते हैं, एक और जो है लेआउट हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है जी। लेफ्ट, इस बार जो है हम लेफ्ट साइड बार होगा, सॉरी इस बार हम राइट साइड बार जो है वो उठा लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने जो कॉल वो बनाया था वो लेफ्ट साइड बार था, और इसको क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो हम HTML5 सेलेक्ट करेंगे डॉक टाइप में से, और दूसरा जो है हम CSS के लिए जो है एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, क्रिएट न्यू फाइल। और न्यू फाइल जैसे हम अभी क्रिएट करेंगे तो न्यू फाइल ये क्रिएट करेगा, हमसे फोल्डर का पूछेगा कि कहाँ पर इसको सेव करना है, तो हम इसको पॉइंट करेंगे उसी फोल्डर के को जहाँ जो हमने अभी क्रिएट किया है अपने एक माई वेबसाइट के फोल्डर के अंदर। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इनसे पूछ रहे कि CSS का स्टाइल शीट जो है कहाँ पर सेव होगा और इसका क्या नाम होगा। तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि नाम जो है इसका हो जाएगा स्टाइल, और फिर मैंने कहा कि माय वेबसाइट में जाके मैं इसको सेव करूँगा स्टाइल्स के फोल्डर में, और इसको मैंने सेव कर लिया। वेबसाइट आ गई आपके सामने, ये इस बार जो है राइट साइड बार है, बाकी सेम चीज़ें हैं। अब मैं जो भी इमेजेस यूज़ करूँगा वो सारे मैं उस इमेजेस के फोल्डर में ऐड करूँगा, और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके, बैक जाता हूँ डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप में मेरे पास एक फोल्डर है माय माय वेबसाइट के नाम से, और इसको मैं यहाँ पर इंडेक्स के नाम से सेव करूँगा, index.html। इंडेक्स आपकी मेन फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट जब भी ओपन होती है तो इंडेक्स की फाइल सबसे पहले आती है, यानी कि होम पेज जो होता है आपका, ये आपका इन फोल्डर के से हट के इन फोल्डर से बाहर सेव होता है, ठीक है जी। तो सेव पे क्लिक किया, ये जो है अभी इसको हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं, इसको देख सकते हैं यहाँ से ब्राउज़र में क्रोम में। तो ये इस तरह की आपकी साइट नज़र आ रही है अभी। अब वही सेम टू सेम तरीका है, अगर हम इसमें कोई पिक्चर्स इमेजेस वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो फोटोशॉप में मैं एक इमेज जो है यहाँ से वो कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एज अ इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़ करूँ उस लोगो के तौर पे। तो एक न्यू जो है मैं वो बनाता हूँ 180x90, जो कि मुझे पता है एक साइज़ है, और यहाँ से मैं ये पिक्चर जो है थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ, और इस पिक्चर को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और फिर थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। इस पिक्चर को अभी मैं सेव कर लेता हूँ, कहाँ पर सेव करूँगा मैं, वहाँ पर जहाँ पर मेरे पास वेबसाइट है माय वेबसाइट, उसके अंदर इमेजेस का फोल्डर है, और इमेजेस के फोल्डर के अंदर मैं इसको लोगो का नाम देता हूँ, और इसी इमेज को अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा ड्रीमव्यूअर में इस फोल्डर उसकी जगह पर, पिक्चर की जगह पर, और इस इमेज को मैं यहाँ से एड कर लूँगा। दैट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। कंट्रोल एस टू सेव, और अभी जो है यहाँ पर अगर अपनी वेबसाइट को हम लोग करेंगे तो ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गई। सेम टू सेम दूसरी चीज़ों को भी हम वो कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सारे कंटेंट फुटर जो है ये भी, और ये जो साइड बार है इसमें जो कंटेंट है, ये सारे हम जस्ट आराम से जो है वो चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। यहाँ पर हम कोई बैनर देना चाहे तो बैनर दे सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैं कोई बैनर इसको देना चाहूँ तो ऑलमोस्ट 600 पिक्सल्स का एक बैनर होगा। तो मैं कंट्रोल एन करके आपके सामने, अभी आपके सामने ये सारी चीज़ें, मैं इसमें 700 कर लेता हूँ, 700 और हाइट 90, ठीक है 90 90 और 600, एक बैनर मैं चाहता हूँ, ठीक है जी। अब इस बैनर के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कोई न्यू फाइल ओपन करता हूँ, यार ये मलाला ही सबसे बेस्ट है,
इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ यहाँ से। मलाला युसुफ़ई तो अक्सर लोग जो है इसको कहते हैं ड्रामा है और ये है वो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा है। बहरहाल इस पिक्चर को एक बैनर के तौर पे बनाते हैं और बैनर के तौर पे बना के इसको सेव करते हैं। फाइल मेन्यू में जाके सेव फॉर वेब इन डिवाइसेस और एग्जैक्टली उसी फोल्डर में इसको मलाला के नाम से सेव करते हैं। अब आते हैं ड्रीम व्यूअर में। मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर यहाँ पर आ जाए, जो कि मैं आपको प्रीव्यू में दिखाता हूँ। ये जो खाली जगह है यहाँ पर इस पिक्चर को लाना चाहता हूँ। तो ड्रीम व्यूअर में आके मैंने क्या करना है जनाब, कि सिंपली जाना है कि ये पिक्चर कहाँ पर है। ये पिक्चर इस जगह पर है। तो इससे पहले जो है मैं क्या करता हूँ कि इससे पहले एक IMG का टैग लगाता हूँ। IMG क्योंकि यहाँ पर ये काम हमें मैनुअली करना पड़ेगा। IMG और इसमें कह रहे कि ब्राउज़ कर लो, तो मैंने कहा ठीक है ब्राउज़ कर लेते हैं, इसमें क्या है ब्राउज़ कर लो। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ अपने माय वेबसाइट के फोल्डर में, वहाँ पर इमेजेस का फोल्डर है और उसमें ये पिक्चर है मेरे पास। डबल क्लिक किया और वो आ गई पिक्चर, वेरी सिंपल और दैट्स रियली सिंपल। यहाँ पर आके रिफ्रेश किया तो यही सेव पर आ गया। अब इसे ये ऊपर आ गया तो इसमें ये मसला आ रहा है, तो मैं इसमें इस इमेज के टैग के अंदर यहाँ स्टाइल टैग लगा लेता हूँ इनलाइन CSS यूज़ करके। ये बाद में हम पर मतलब है कि अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये कि इस वक्त अभी इसकी ज़रूरत है। तो ये पिक्चर यहाँ पर साइड पे हो गई, आप देख सकते हैं। जस्ट सिर्फ क्या किया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने कहा कि भाई स्टाइल फ्लोट राइट फ्लोट, चूँकि ये पिक्चर जो है लेफ्ट साइड पे है तो उसको मैंने राइट पे कर दिया। और CSS इतनी काम की चीज़ होती है कि आपके पिक्चर्स को यहाँ लेकर आ गया। अब अगर ये पिक्चर यहाँ पर कुछ इतना फासला है, आई मीन टू से कि मे बी 200 जो है पिक्सल्स का मज़ीद फासला है, अगर इस पिक्चर को मैं यहाँ से एडिट कर दूँ, कैनवेस साइज कर लूँ और कैनवेस साइज करके मैं इसको इसकी विथ जो है वो 800 कर लूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं वो जगह भी आपको बताऊंगा कि हम किस तरह जो है इजीली इसको वो कर सकते हैं। ये जगह जो खाली रह गई इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम भर सकते हैं। इसी पिक्चर को मैं सेम एज दैट सेम फोल्डर में जो है सेव कर लेता हूँ मलाला के नाम से। ये ऑलरेडी पड़ी हुई है हमारे पास, उसी के ऊपर रिप्लेस करनी है इसको। रिप्लेस ड्रीम व्यूअर में आके इधर क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक किया, इधर फिर मलाला को लेकर आए, तो आप देख सकते हैं कि रिप्लेस करके सेव करें, रिफ्रेश करें यहाँ पर इस पेज को। और यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया जनाब ये वाला, इसको कम करना पड़ेगा इसकी साइज़ को। लेट मी कम बैक, सेव इट अगेन अगेन, इसको सेव करते हैं और थोड़ा सा इसका साइज़ जो है विथ जो है वो 750 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है जी, सेव मलाला के नाम से, सेव रिप्लेस और वापस आए ड्रीम व्यूअर में, क्लिक किया, डबल क्लिक किया इस पिक्चर पे और इस पिक्चर को लेकर आए, कंट्रोल एस करके सेव किया और आके यहाँ पर ये आपके सामने रिजल्ट है जनाब। तो ये पिक्चर मैं लेकर आया आपके सामने, कितनी जल्दी से मैंने फिक्स किया उस साइज़ के मुताबिक। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप बहुत इजीली जो है ये तो सारे आप वो कर लेंगे, यानी कि चेंज कर लेंगे। यहाँ पर जो लिखना है वो लिखो, यहाँ पर जो लिखना है। उसके बाद ये लिंक्स है, तो इस लिंक पे अगर कोई क्लिक करे तो ये नया पेज ओपन हो जाए। तो जस्ट एक लिंक को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इजीली आप कर सकते हैं लिंक्स को चेंज करके न्यू पेज देना। सर को ये है, ठीक है जी, ये लिंक है। इस लिंक को मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि एक बंदा कॉन्टेक्ट मी के पेज पर चला जाए। ठीक है, तो वहाँ पर आ गया कॉन्टेक्ट मी, जस्ट मैंने इसका वो चेंज किया। करना क्या है, मैंने जस्ट एक न्यू पेज क्रिएट करनी है, कंट्रोल एन ब्लैंक ब्लैंक पेज सेव करना है मैंने इसको मेन अपने माय वेबसाइट के फोल्डर में, कॉन्टेक्ट डॉट कॉन्टेक्ट, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा HTML। सेव टाइप इज सॉरी ब्लैंक पेज HTML, ओके
एक मिनट, यहाँ से दोबारा जाते हैं, कंट्रोल एन, एचटीएमएल, एचटीएमएल का न्यू पेज होगा और यहाँ से नन कर देंगे। ठीक है जी, नन करने के बाद क्रिएट, ये न्यू पेज आ गया। इधर मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्ट आस, ईमेल cricketeri@yahoo.com, cricketeri@yahoo.com, मोबाइल नंबर 3412121598। कॉन्टेक्ट आस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, H1, और इस पेज को कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। कहाँ पर? उसी पेज में, माय वेबसाइट में आते हैं और मेन पेज पे इसको contact.html सेव हो गया जनाब। अब इस पेज का contact.html का हमने यहाँ पर इस लिंक, इसका जो लिंक है यहाँ पर ना, ये हैश का साइन है, डिमी लिंक है बेसिकली। यहाँ पर जस्ट हमने contact.html लिखना है, तो ये पेज इसके साथ लिंक्ड हो गया। ठीक है जी, अब आके अपने वेबसाइट में रिफ्रेश करें, इस पर क्लिक करें, तो ये आपके सामने ये पेज आ गया, contact.html। आप अगर चाहते हैं कि इस पे जब कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट ये बिल्कुल सब कुछ गायब हो गया और इस पेज पे आ गया, यानी कि नए पेज पे आ गया, आप चाहते हैं कि यही पर इसी वेबसाइट के अंदर वो सेव हो जाए, ये बंदा आ जाए, तो फिर जस्ट क्या करें, अपने फाइल के मेन्यू में जाए और यहाँ से सेव एज पे क्लिक करें, इसी पेज को सेव करें, यहाँ से जाके इसको सेव करें और कॉन्टेक्ट वाले पेज पे लेकर जाए इसको, वही रिप्लेस कर दे उसके साथ। ये कह रहे रिप्लेस, मैंने कहा जी यस, रिप्लेस रिप्लेस हो गया। अब ये कॉन्टेक्ट के पेज पर है, इसमें क्या करेगी, यहाँ से सब कुछ हटा दिए, ये जो इधर बॉडी पे सब कुछ नज़र आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पर लिखे कॉन्टेक्ट आस और नीचे लिखे सेल नंबर 03412121598, ईमेल cricketeri@yahoo.com और sales@onlineustad.com, वेबसाइट www.onlineustad.com। कंट्रोल एस करके सेव करें, अब आ जाए, अब आए और रिफ्रेश करें इस, सॉरी बैक जाए, रिफ्रेश करें इसको और कॉन्टेक्ट मी पे क्लिक करें। ओ सॉरी, contact.html, ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब आते हैं दोबारा, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। सेव ऑल, सेव ऑल करते हैं पहले, एक मिनट, यहाँ पर सेव ऑल, जी सेव ऑल पे क्लिक नहीं हुआ तो सेव ऑल पे क्लिक कर दिया। अब दोबारा आते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो ये आ गया जनाब, ये आ गया कॉन्टेक्ट, उसी पेज के अंदर आ गया। ठीक है, अभी अगर आप इंडेक्स वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ से मैं इंडेक्स कर लेता हूँ, ये इंडेक्स पे आप आ गए। अब आप क्लिक करें इस कॉन्टेक्ट मी वाले पेज पे, तो आप इस यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी पेज, बाकी वेबसाइट जो है आपकी वही की वही रहेगी। तो ये बहुत सिंपल था, आपको जस्ट ये बताना था कि आप जो है यहाँ पर लिंक्स को किस तरह चेंज करते हैं, हेडर में जो है इमेजेस वगैरह किस तरह लेकर आ सकते हैं, और उसके अलावा आपको एक चीज़ ये बतानी थी कि अपने वेबसाइट के लिए फोल्डर ज़रूरी है, एक स्पेस ज़रूरी है, चाहे आप ऑफलाइन ही क्यों काम ना कर रहे हो। अभी हमारे पास यहाँ पर इस वेबसाइट में एसेट्स इमेजेस कुछ आ गई, हमने यूज़ की दो इमेजेस, ये 10 इमेजेस भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, CSS के स्टाइल्स हमने एक यूज़ किया, अभी जावास्क्रिप्ट हमने यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर मेन्यू वगैरह हम ऐड करते तो वो इसमें सेव होता है एसेट्स में, या कोई ऐसे स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, या वेडगेट या प्लगइन्स वगैरह। कॉन्टेक्ट का पेज हमारे पास एक बना, ये हमारे पास 10 पेजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स, अबाउट अस वगैरह वगैरह, और इंडेक्स का पेज तो हमारे सामने है। ठीक है जी, तो ये वेबसाइट का आपको तरीका बताना था कि इस तरह होता है। अब आगे जो हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स हैं उनमें आपको एक चीज़ और बतानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप जब एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, ये तो हमने सैंपल से जो है ड्रीमव्यूअर के जो सैंपल्स थे उनसे हमने ये आइडिया लिया कि इसमें हम किस तरह वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आगे जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर चाहते हैं कि बिल्कुल सिपर से अपने वेबसाइट स्टार्ट करें ड्रीमव्यूअर में, टेबल्स की मदद से, ड्यू टैग्स की मदद से, डिविजन की मदद से, तो वो किस तरह क्रिएट करेंगे, और उसके बाद जो है हम ये भी देखेंगे कि हम अगर इंटरनेट से एक टेम्पलेट उठाते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी के चेंजेस चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा।